भारत विकास परिषद जिला आगरा द्वारा शुभ मंगल वेंकट हॉल कमलानगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भगवान कृष्ण एवं राधा के स्वरूप के साथ शाखा परिवार सदस्यों ने फूलों की होली खेलकर भक्ति में आनंद प्राप्त किया। भारत विकास परिषद जिला आगरा द्वारा भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भारत विकास परिषद जिला समन्वय समिति आगरा द्वारा रंगों के पावन पर्व होली के अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन शुभ मंगल वेंकट हॉल कमला नगर के भव्य रूप में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत विकास परिषद राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर तरुण शर्मा, राष्ट्रीय प्रकल्प चेयरमैन डॉक्टर केशव दत्त गुप्ता, राष्ट्रीय प्रकल्प सदस्य एवं आगरा डीजीसी क्रिमिनल एडवोकेट बसंत गुप्ता, रीजनल मंत्री एडवोकेट राजीव अग्रवाल, विनय सिंह एवं प्रांतीय अध्यक्ष प्रमोद सिंघल, वित्त सचिव सोमदेव सारस्वत, मुख्य मार्गदर्शक विनय सिंघल, हरि नारायण चतुर्वेदी द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। पवित्र और पावन जो होली का त्योहार है, जिस पर सब लोग आपस में मिले जुले, एकता हम सब लोगों में मजबूत हो और जो अनेक प्रकार के हमारे विचार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उन सबको हम समाहित करके समाज को किस प्रकार संस्कार दे सकते हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं और हमारी क्या जिम्मेदारी है समाज के प्रति, इस सब पर मंथन करें, इसलिए हम सब आज भारत विकास परिषद के लोग यहाँ एकत्रित हैं। संयोजिका और हमारे प्रांतीय पदाधिकारी और रीजनल राष्ट्रीय पदाधिकारी इस बैठक में और इस होली मिलन के कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं और हम लोग पूरे वर्ष भर भरपूर मेहनत करते हैं, सेवा संस्कार के कार्य करते हैं और ये होली का त्यौहार हर्षोल्लास से एक दूसरे से मिलकर हम लोग मनाएंगे और साथ में आगामी जो हमारा सत्र समापन की तरफ है, सभी हमारे पदाधिकारियों का आगामी जो सत्र है उसकी योजना क्या है, उस योजना पर आपस में विचार विमर्श करेंगे और जो नई टीम आई है उनका हम स्वागत का रखेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला चेयरमैन धर्मगोपाल मित्तल, संचालन जिला उप चेयरमैन अखिलेश भटनागर द्वारा एवं धन्यवाद ज्ञापन जिला महिला संयोजिका नीलमा शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में भगवान कृष्ण एवं राधा के स्वरूप के साथ शाखा परिवार सदस्यों ने फूलों की होली खेलकर भक्ति में आनंद प्राप्त किया। सभी शाखा दायित्वधारियों ने अपनी शाखा की वार्षिक रिपोर्ट कार्यक्रम में प्रस्तुत की।